हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो परिवार एक हमारा टॉपिक है सी टेट में। देखिए, परिवार के बारे में हम जान लेते हैं और यूपी टेट में भी काफ़ी काम आएगा आपके लिए। परिवार क्या है? देखिए, परिवार शब्द जो है अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि जो फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फैमुलस से हुई है, जो प्राय एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, साधारण शब्दों में तो इस तरह से कह देंगे हम। किंतु समाजशास्त्रियों और समाजशास्त्री के जो दृष्टिकोण हैं उन्होंने दोस्तों इस चीज़ को नहीं माना है, क्योंकि दोस्तों समाजशास्त्री के अनुसार यह है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। इसी को हम जो है परिवार मानते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में किसी एक के अभाव में से वह परिवार न होकर गृहस्थ का रूप लेता है। अगर देखिए माता पिता यानी कि पति पत्नी और बच्चे ना हो तो परिवार तो होगा नहीं। मतलब तीन चीज़ों में से, जैसे कि माता पिता और लड़के या लड़कियां, है ना, तो इनमें से एक भी ना हो तो गाइज उसको जो है परिवार ना मानकर गृहस्थ मान लेंगे। लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। सामान्य रूप में परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। जो परिवार है उससे आपकी क्या होती है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है बच्चे की। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। समाज में परिवार जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। तो गाइस, जिन लोगों ने आर्ट साइड थी, जिन लोगों पर कक्षा 12 में, तो उनके तो याद आ गया होगा, ये चीज़ पढ़ी हुई है। मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा देख लेते हैं परिवार की। उन्होंने कहा है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। तो गाइज ये है परिवार की परिभाषा। अब हम बात करेंगे परिवार के कार्य कार्य क्या हैं। तो देखिए, मैकाइवर ने परिवार के कार्य को दो भागों में विभाजित किया है। मैं आपको इसके बारे में कल बता चुका था लाइव क्लास में। एक है आपका आवश्यक, दूसरा है अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के जो विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया गया जाता है, जैसे कि मतलब जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्य को सम्मिलित किया जाता है। अनावश्यक कार्यों में जैसे कि कोई मनोरंजन कार्य हो गए, ये चीज़ आती हैं। और अगर बात करें आर्नबर्ग की, तो इन्होंने देखिए परिवार को 6 भागों में विभाजित किया है। आर्थिक, प्रतीकात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक बन जाता है। और ये मनोवैज्ञानिक है लुंडबर्ग। इन्होंने परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन आदि हैं। दोस्तों, अगर हम परिवार की विशेषताओं की बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, ये चीज़ आप समझ गए होंगे और आप लोगों ने पढ़ भी रखी होंगी कि वंशानुगत संबंध क्या होते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी गुण जो पीढ़ी है उसको प्राप्त होते हैं। सामाजिक संस्था, परिवार जो है सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो परिवार सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। यह है आपका वैवाहिक अनिवार्यता, यह तो रहती है क्योंकि संतान उत्पत्ति करने के बाद जब भी उसका वंश जो है आगे बढ़ेगा, इस तरह से माना जाता है। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई है। सॉरी गाइज, बात करेंगे परिवार का वर्गीकरण। परिवार का वर्गीकरण देखिए कितने प्रकार से हुआ है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दो परिवार हैं यहाँ पर। पहला है आपका एकल परिवार, इसमें क्या है, अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं और ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे परिवार में कुरीतियाँ एवं आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तित्व का विकास होता है व कलह की संभावना नहीं रहती। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। अब बात करेंगे संयुक्त परिवार को।
तो संयुक्त परिवार क्या है? ऐसे परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, यानी कि पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ संयुक्त रूप से घर में निवास करते हैं। इसमें देखिए आदर्श नागरिकों की गुणों का जो विकास है वो हो जाता है और सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है। श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है। आलस्य का अभाव रहता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए आलस्य का अभाव रहता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। अगर बात करें भारतीय सामाजिक परिवेश के अनुसार तो गाइस परिवार के प्रकार जान लेते हैं। अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? ये तो हमारे जो मूलभूत परिवार हैं ये माने जाते हैं दो, एकल और दूसरा है संयुक्त। अब अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए पहला है आपका मातृस्थान परिवार। यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं, ठीक है, जो पति है वो पत्नी के साथ रहता है। पितृस्थान परिवार, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। और नेक्स्ट है आपका वैवाहिक परिवार। यह एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक, मतलब विवाह के बाद बनता है। बात करेंगे समरक्त परिवार को। इसके बारे में मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था। देखिए समरक्त परिवार वे होते हैं जो, मतलब ये जो है संयुक्त परिवार का ही रूप होता है। सबसे पहली बात तो ये है। इसमें देखिए अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अभिविन्यास परिवार कहते हैं। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि परिवार का महत्व क्या क्या है, तो गाइस आप सभी को पता है देखिए परिवार के महत्व में क्या क्या आएगा। परिवार दोस्तों वह है जहाँ का बालक का जो समाजीकरण होता है ना। और गाइस जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं बच्चा वैसे ही सीखता है, क्योंकि अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। और माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव जो है बच्चों पर भी पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और देखिए बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि गाइस सामाजिक की बात हो रही है। अगर किसी परिवार के सारे लोग चोरी करते हैं तो तुरंत उसका बच्चा भी जो है चोरी करना ही सीखेगा, ठीक है गाइस। तो परिवार के महत्व में तो बहुत सारा कुछ आ जाएगा। आप सभी को पता है परिवार के मानसिक क्षमता के विकास में उसके जो वंशानुक्रम है उसका प्रमुख योगदान रहता ही है। तो गाइज इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब बात करेंगे मित्र की। यहाँ पर देखिए मित्र की परिभाषा तो नहीं आएगी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। मित्र का वर्गीकरण देख लेते हैं हम। मित्र का वर्गीकरण तीन प्रकार का हुआ है। अरस्तु ने किया है, ये ध्यान रखिएगा किन्होंने किया है, अरस्तु ने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला आपका उपयोगिता की मित्रता, दूसरा है आनंद की मित्रता, अच्छी मित्रता। उपयोगिता की मित्रता में क्या है? इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, आपसे मित्रता कर ली लेकिन वो अपना काम निकालने के लिए मित्रता करते हैं। दूसरा आपका हो गया आनंद की मित्रता, है ना। देखिए इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। थर्ड है आपकी अच्छी मित्रता। तो इसमें दोस्तों दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती। ये जो सबसे अच्छी मानी जाती है अच्छी मित्रता, ठीक है गाइस। मित्रता का महत्व दोस्तों आप लिख देंगे और बाकी दोस्तों इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं संबंध का। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और चाहिए मतलब आपको किस सब्जेक्ट पर, यानी कि पर्यावरण का कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है बताइएगा, उस टॉपिक पर जल्दी से वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू।